केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी। इतने धीरे से काम नहीं चलेगा। मैं जानता हूं धूप ज्यादा है, इसके बाद भी आप धूप हो चाहे छांव हो चाहे आंधी तूफान हो, आप कमल खिलाना चाहते हैं, फिर से भाजपा की सरकार यूपी में बनाना चाहते हैं। लेकिन आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। आज फर्रुखाबाद की धरती पर मुझे सौभाग्य मिला है आप सबका आशीर्वाद लेने का। मैं अपने विधानसभा में जो हमारे साथी के रूप में 2017 से 2022 में शानदार कार्यकाल निभाते हुए विकास की गंगा सरकार के अनेक विभागों के माध्यम से क्षेत्र में बहाई है, ऐसे सदर के जो हमारे प्रत्याशी हैं, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी, दूसरे हमारे अमृतपुर के प्रत्याशी श्रीमान सुशील साक्य जी, हमारे भोजपुर के प्रत्याशी श्रीमान नागेंद्र सिंह राठौर जी और कायमगंज की प्रत्याशी हमारे गठबंधन की डॉक्टर सुरभि गंगवार जी, हमारे मंच पर लोकप्रिय सांसद मेरे मित्र श्रीमान मुकेश राजपूत जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य और जिले के प्रभारी के रूप में जो लगातार आपके बीच में है, ऐसे बहुत ही कर्मठ हमारे श्रीमान अरुण पाठक जी, हमारे जिले के अध्यक्ष श्रीमान रूपेश गुप्ता जी, हमारे यहाँ मंच पर हमारे विधानसभा के प्रभारीगण और संयोजकगण प्रवासीगण, मैं सबका नाम ले रहा हूँ, श्रीमान अजय प्रताप धाकरे जी, श्री प्रदीप सक्सेना जी, श्री गिरिराज सिंह दंडोतिया जी, श्री कुलदीप गंगवार जी, श्री डीएस राठौर जी, श्री हिमांशु गुप्ता जी, श्री वीरेंद्र सिंह राठौर जी, हमारे डॉक्टर वीके गंगवार जी, श्री अभय सिंह जी, श्री भास्कर दत्त द्विवेदी जी, श्री अभिषेक द्विवेदी जी, और विशेष तौर से मैं आप सब लोगों के सामने यहाँ पर ये कहने आया हूँ, आपका वोट कब पड़ेगा याद है कि नहीं? 20 फरवरी को आप सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करके, साइकिल तो पहले चरण में ही पंचर हो चुकी, दूसरे चरण में उड़ करके सैफई पहुंच गई, हाथी का कहीं अता पता नहीं, और ये कांग्रेस वाले कभी इटली की यात्रा पर हैं, कभी कहां की यात्रा पर हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है। इनके पास तो फोटो खिंचाने वाले बचे, इतने ही बचे कि इससे ज्यादा बचे, ऐसे सपा बसपा कांग्रेस तीनों का सुपड़ा पहली बार नहीं साफ करने जा रहे हो, ये कूड़ा करकट को 2014 से आपने साफ करना शुरू कर दिया। स्वच्छ भारत बनाया है, स्वच्छ उत्तर प्रदेश बनाया, इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव में आपने कमल खिला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। 2017 में सपा बसपा कांग्रेस इन सब का सूपड़ा साफ करते हुए फर्रुखाबाद की चार सीटों में चौका लगा करके उत्तर प्रदेश में 325 विधानसभा के हमारे सदस्य गठबंधन के साथियों के साथ भेजने का काम किया। मैं जब 2019 का चुनाव आया, मेरा तो पूरा विश्वास था कि सपा बसपा कांग्रेस ही नहीं और जो बचे वो अभी सब मिल जाए, तब भी कमल खिलने से रोकने की इनकी ताकत नहीं है, जिनकी ताकत है वो तो हमारे साथ है। जनता अगर मोदी जी को चाहती है, कमल के फूल को चाहती है, भाजपा को चाहती है,
ये सपा बसपा कांग्रेस वाले एक होकर के उसे रोक सकते हैं क्या? जोर से बताइए, रोक सकते हैं क्या? जब ये 2019 में नहीं रोक पाए, जब सांपनाथ, नागनाथ, नेवलानाथ ये सब एक हो गए, और इसलिए नहीं एक हुए जिनको आपकी चिंता थी, ये इसलिए एक हो गए थे कि इनको लगा कि भाई माननीय नरेंद्र मोदी जी को अगर दिल्ली से नहीं हटाया गया तो इत्र डाल करके 280 करोड़ रुपया नहीं निकाला जा सकता। इनको लगा कि आलू डाल करके सोना नहीं निकाला जा सकता। यह सब भ्रष्टाचारी बेईमान जो गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, पिछड़ों का, दलितों का अधिकार लूटने का काम करते रहे 60 साल तक दिल्ली में कांग्रेस में बैठ करके, और 15 साल लगातार सपा बसपा या उत्तर प्रदेश में बैठ करके बर्बाद करने का काम किया देश और प्रदेश को। लेकिन आपने आशीर्वाद दिया और जब कमल का फूल खिला, आज देश में दुनिया का नाम ऊंचा हुआ है, और प्रदेश सभी क्षेत्रों में जो फिसड्डी बन गया था, हम अनेक क्षेत्रों में आज देश में नंबर एक का उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया है। और फर्रुखाबाद की अगर मैं बात करूं, सदर की बात करूं, और चाहे मेरे तीनों विधानसभा क्षेत्रों के मैं विधायकों के क्षेत्र में किए गए काम की बात करूं, इनके काम को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, उसके साक्षी आप लोग हो। याद करिए 2017 से पहले बिजली आती थी क्या? याद है कि भूल गए? बताओ, बिजली आती थी? आप बिजली आती नहीं, पहले आती नहीं थी। हम लोग 2017 में आए थे, ये मुद्दा लेकर के आपके पास आए थे। एक समय मुद्दा ये था कि बिजली आती नहीं, अब भाजपा की सरकार आ गई, मुद्दा यह है कि बिजली जाती नहीं। अब श्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। श्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे श्री अखिलेश यादव जी, आपकी सरकार में बिजली की तार में यूपी के लोग कपड़े सुखाते थे कि नहीं, बताइए? अगर ट्रांसफार्मर जल जाए, पूरा गांव सभी किसान मिलकर के अगर चंदा करके रिश्वत ना दे, तो ट्रांसफार्मर लगने में 3-3 महीने, 4-4 महीने लगते थे कि नहीं लगते थे? भूल गए क्या? और इतना ही नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो गुंडों की, अपराधियों की, माफियाओं की, चोरों की सरदार पार्टी है, और इनकी सरकार के समय तो बिजली के तार भी काट ले जाते थे कि नहीं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली जबरदस्त उपलब्ध है। हर चुनाव में मुद्दा होता तो बिजली नहीं आती है, सड़कों में गड्ढे हैं, अब तो एक्सप्रेस वे भी बन रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे भी बन रहा है, राजमार्ग भी बन रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी बन रहा है, बड़े बड़े रेलवे क्रॉसिंग पर पुल बन रहे हैं, अंडर ब्रिज बन रहे हैं। आपने भाजपा का कमल खिलाया, इसलिए खुशहाली आई है, इसलिए विकास हो रहा है, और यह सपने देख, इनको सपने आ रहे, लेकिन इनके सपने पहले चरण के चुनाव से ही आने बंद हो गए। हमने नहीं बंद किया, जनता ने बंद किया। जैसे 2014 से 17 से 19 तक बंद किया, वैसे ही 2022 में इनका पहले चरण के चुनाव, अब तो दूसरे चरण का भी हो गया। चेहरे में 12 बज रहे हैं सपा बसपा वालों, कांग्रेस वालों के, उनको लग रहा है। मैं तो सोच रहा था कि 10 मार्च को जब वोटरों की गिनती होगी तो 11 बजे इन सबके चेहरे में 12 बजेगा, लेकिन पहला दूसरा चरण का मतदान क्या हुआ, अभी से इनके चेहरे में 12 बजने लगे हैं। इनको पता चल गया है फिर एक बार 300 पार होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की उत्तर प्रदेश में जो सरकार, और पिछले 7 साल से अधिक समय से केंद्र में आप सबके आशीर्वाद से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दिन रात, गरीब आदमी हो, किसान हो, नौजवान हो, माता हो, बहन हो, सबके सेवा में समर्पित है। केंद्र का खजाना भी, प्रदेश का खजाना भी, यूपी के विकास के साथ साथ, बताइए फर्रुखाबाद पूरे जनपद के विकास के लिए खुला है कि नहीं खुला, बताइए? अनेक योजनाएं जो बरसों से लटकी पड़ी थी, लटकाई गई थी, उनको पूरा करने का काम किया गया। मैं आप सब लोगों से, ये फर्रुखाबाद ऐसी धरती है जहां अनेक बड़ी संख्या में किसान है। हमारी सरकार के समय आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में 15 साल सपा बसपा बुआ भतीजे थे, लेकिन केंद्र में 60 साल सपा बसपा की बैसाखी पर कांग्रेस थी। मेरे
किसानों के खाते में कभी 500 रुपया महीना भी भेजते थे क्या? बताओ, जोर से बताइए, भेजते थे क्या? लेकिन आपने कमर फिरा दिया। मेरे यूपी के 2.5 करोड़, देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार की 3 किस्त में एक साल में 6 हजार रुपया मेरे मोदी जी भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे? बताइए, भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे? अब इनको दर्द होता है कि किसानों को पैसा क्यों देते हैं? भारतीय जनता पार्टी किसानों को पैसा इसलिए देती है कि उनको खाद खरीदना हो, उनको बीज खरीदना हो और उनको सिंचाई करना हो, तो उसको लेकर के उनको चिंता नहीं होनी चाहिए। वह पैसा 2-2 हजार की 3 किस्त में सरकार भेजने का काम करती है। अभी तक आपको हम सरकारी नलकूप से और नहरों से फ्री में पानी दे रहे थे। जो मेरे किसान भाई है, संदेश मैं उनको दे रहा हूं, हमारी पहली पारी तो ट्रेलर था, ट्रेलर, और जो दूसरी पारी है वो असली पिक्चर वाली पारी है, पूरा दिखाने का काम करेंगे। और पहली किस्त के रूप में आपको मैं सूचना दे रहा हूं, दूसरी पारी की शुरुआत के साथ हम उत्तर प्रदेश के जो निजी नलकूप धारक किसान हैं, जिन्हें 1500 से लेकर 2000 रुपया महीना तक बिल देना पड़ता, दूसरी पारी में उन किसानों को जो नलकूप लगा करके बिल अदा कर रहे हैं, हम बिजली फ्री करने जा रहे हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, सपा की सरकार के समय 500 रुपया मिलता था, बसपा की सरकार के समय तो 300 रुपया ही मिलता था, हमारी सरकार ने जो बढ़ा करके 1000 रुपया महीना किया है, उसे दूसरी पारी में हम 1500 रुपया महीना करने जा रहे हैं। उसके साथ एक और काम करेंगे, अभी बहुत सारे लोगों की पेंशन ही नहीं बनी है, गांव गांव में कैंप लगवा करके पेंशन भी बनवाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को पक्का मकान मिले, गरीबी में जीवन जीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है और उस सपने को साकार करने के लिए कई काम एक साथ किए जा रहे। प्रधानमंत्री आवास भी दे रहे, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन भी दे रहे, गरीब आदमी के घर के सामने शौचालय भी बना रहे, इलाज के लिए उनको गरीबों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड भी दे रहे, और जो आजादी के बाद से अब तक बिजली नहीं लगा सके थे, आपने कमर खिलाया, जो घर अंधेरे में थे उन घर में भी उजाला पहुंचाने का काम सौभाग्य योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। कोरोना का संकट आया, बहुत बड़ा संकट था देश और दुनिया के लिए, लेकिन इस कोरोना के संकट के समय मेरे देश के वैज्ञानिक दिन रात तपस्या कर रहे थे कि हम ऐसी वैक्सीन तैयार करें कि मेरे देशवासी लगाए और सुरक्षित हो जाए। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी क्या कर रहे थे? आपने वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया? बताइए, पैसा देना पड़ा कि फ्री में लगी? बताइए, दोनों हाथ का बताइए। फ्री में लगाने का काम देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और श्री अखिलेश यादव जी कहते रहे कि ये वैक्सीन कोरोना की नहीं है, ये भाजपा की वैक्सीन है। याद है आप लोगों के लिए? आपको याद है, ये मेरे देश के वैज्ञानिकों का अपमान था कि नहीं था? लेकिन मैं आज इस मंच से फरुखाबाद की धरती से सभी फरुखाबाद वासियों को, सभी प्रदेश वासियों को आह्वान करना चाहता हूं, दो चरण में तो आपने सपा बसपा कांग्रेस वालों को सबको वैक्सीन लगाई है, लेकिन इस बार जब आपके यहां 20 तारीख को मतदान होगा, आप कमल के फूल की बटन दबा करके ऐसी वैक्सीन लगा दीजिए तो आने वाली 10 तारीख को समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश के वर्तमान को भी और भविष्य को भी सुरक्षित रखने के लिए समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना दीजिए। बनाओगे समाजवादी पार्टी को? समाप्त करोगे? दोनों हाथ उठा के जरूर बताइए, समाप्त करोगे? आप सब अगर समाजवादी पार्टी बनाएंगे तो एक पीढ़ी का भला नहीं होगा, आने वाली अनेक पीढ़ियों का भला हो जाएगा। इसे कमर के फूल में इतनी ताकत है और कमर के फूल की बटन दबाने की आपके पास ताकत। ये सारे विरोधी कहते भारतीय जनता पार्टी वाले तो अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? जोर से बताओ, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनाए,
प्रयागराज का दिव्य और भव्य कुंभ बनाए, सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों का, सभी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का, बलिदानियों का स्थान का विकास करने का काम किए, ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, मंदिर बना रहे। अरे श्री अखिलेश यादव जी, हम अगर राम लला का 500 साल की लड़ाई को देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने कमल खिला करके मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया है, तो राम लला का भव्य मंदिर बने ये तो हमारा वादा था। और अगर हम राम लला का भव्य मंदिर बना रहे हैं तो हम गरीबों का पक्का मकान भी बना करके देने का काम कर रहे हैं। अगर हम राम बाबा विश्वनाथ जी का धाम बना रहे हैं तो गरीबों के घर में सौभाग्य योजना से बिजली भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर हम प्रयागराज का कुंभ का आयोजन कर रहे हैं तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर गरीब माता बहन को रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन देने का भी काम कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर अपील करने के लिए आया, अनेक योजना जिनकी मैं चर्चा करूंगा तो बहुत देर लगे, आगे कई और सभाएं हैं, लेकिन आने वाली 20 तारीख फरुखाबाद और इस तीसरे चरण के जो भी जिले के हमारे मतदाता भाई बहन है, हमारा कार्यकर्ता तो दिन रात तपस्या करता है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी जनता को नमन करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, सर्वश्रेष्ठ काम करिएगा। आप परिश्रम की पराकाष्ठा किए हैं, अन्यथा तीन तीन लगातार चुनाव में कमल नहीं खिलता, और अगर आपने कमल खिलाया है तो इसके लिए आप सबका जितना भी अभिनंदन करूंगा तो कम होगा।